हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। लेके आ चुका हूँ मैं क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों की वीडियो आ चुकी है हमारी, जो हमारी होने वाली है इंग्लिश वीडियो होने वाली है। 302 सा कोड है हमारा, पेपर का पैटर्न क्या होता वो वीडियो क्या चुका हूँ मैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इंग्लिश की जिसमें हमारा क्या था करिकुलम था, जाकर आप देखो, उस सब पर डिटेल्स में आ रहा कि क्या क्या ब्लू प्रिंट्स थे हमारे, पूरा डिटेल में समझाया था मैंने आपको। अब बात आ चुकी है फाइनली, वो वीडियो आ चुकी है कौन सी हमारी, जो हमारी एनुअल साइट का पेपर था वो हमने लिया है। इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले इसमें एक ध्यान से, इतना 100 मार्क्स का है हमारा। सबसे पहले 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 3 घंटे पेपर होने वाला है, 3 आवर्स का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का हो रहा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन 1 हो रहा हमारा, 1 जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है 5 मार्क्स का, जिसमें 5 हमारे क्या है पार्ट समय गिवन है, 5 हमारे क्या है पार्ट समय गिवन है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 हो गया, यानी कि के 1 मार्क्स से होने वाले हैं ये पूरा जो है ना, इसे आप पढ़ लेना और इसके बिहाफ पर आपको सबके आंसर देने हैं। और ऑप्शन में भी यही सेम हमारा दिया हुआ है, आपको ये करना है या वो करना है, चॉइस आपके ऊपर है। और सिंबल हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो और दिया हुआ है, यानी आपको उसमें मन में ऑप्शन आ रहे हैं वो आप कैसे करना है वो आप देख लेना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें एक आंसर क्या है हमारा, ये हमारा जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या हमारे 2 ऑप्शन होंगे ए और बी। इसमें क्या हमारे 2 ऑप्शन हमारे होने वाले हैं ए और बी, इनमें से भी क्या आपको एक क्वेश्चन करना है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होने वाला है, 20 से 25 वर्ड्स आपको यूज करने हैं, एनी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, और यानी 5 दिए हुए 5 में से 3 आपको करने हैं, हर एक क्वेश्चन इतने मार्क्स है, 2 मार्क्स का हमारा होने वाला है, इससे पार्ट्स जो हमारे टोटल कितना है हमारा 6 नंबर की वेटेज हमारी होने वाली है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब 4 की हम बात करें, इसमें क्या हमारा 20 से 25 मार्क्स का हमारा, सॉरी क्वेश्चन 4 जो हमारा उसमें क्या हमारा 20 से 25 वर्ड्स का हमारा होने वाला है, और दोनों पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, हर एक पार्ट जो है 2 मार्क्स का हमारा होने वाला है। 5 की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा 5 का ए हो गया, बी हो गया, ये भी हमारे क्या है फ्लिंडमेंस टाइप के हमारे दिए हुए हैं, वर्ब यूज करनी है, कर लेना सेंटेंस पढ़कर आपको मालूम पड़ेगा हमारा। और ये क्या है हमारा, इसमें जितने पार्ट हमें गिवन है ना, देखो 1 ऐसे हमारा 2 3, ये क्या है, अगर आपने सही आंसर दे दिया तो आपका 8 नंबर पक्का होने वाला है। तो ऐसे ये 5 पार्ट्स इसमें गिवन है, 5 ब्रैकेट्स इसमें हमें गिवन है, ऐसे हमारे यहाँ भी 5 ब्रैकेट्स हमें गिवन है, 5 5 कितना हो गया 10 नंबर होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अब हम बात कर रहे हैं 6 की, हम बात कर रहे हैं ध्यान से इतना, इसमें क्या हमारा 6 में क्या हमारा 3 पार्ट्स हमें गिवन है, तीनों पार्ट देख लो, करने आपको ध्यान से डाल लेना और बहुत इजी है, आराम से आपसे हो जाने। 7 की हम बात कर रहे हैं, 100 वर्ड्स आपने यूज करने हैं, जो हमारे दिमाग से होने वाला है 6 नंबर का होने वाला है, 3 में से 8 को आपको एक्सप्लेन करना है, और इतना एक्सप्लेन करना कम से कम 100 वर्ड्स इतने बहुत जरूरी है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या हमारा, इसमें देखो इसमें क्या हमारा लेटर इतना है आपको, ठीक है, और लेटर बहुत मेन है, 8 नंबर की वेटेज हमारी होने वाली है, कितने मार्क्स से होने वाली है 8 नंबर की, यानी इसमें भी आपको ऑप्शन मिल रहा है या ये करना है या ये करो, बट डिपेंड करता है आपको कौन सा समझ में अच्छा आ रहा है, जो भी आपको इजी लगता है वो आप कंप्लीट कर लेना, 8 नंबर आपके जेब में आने वाले हैं। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, हम बात कर रहे हैं कितने मार्क्स से होने वाला है, 6 नंबर का होने वाला है, और ये हमारा पैराग्राफ हमें गिवन है, और ये कंप्लीट कर लेना, बहुत ज़रा मेन हमारा होने वाला है, 6 नंबर का हमारा होने वाला है। 10 जो है हमारा ये हमारे कितने मार्क्स होने वाला है, इससे मिस्टेक जो है वो देखनी हमारी क्या है, और हमारा क्या है 5 नंबर की वेटेज हमारी होने वाली है। पहले आपको बताना है एरर क्या है हमारा, ऐसे में बोला हुआ है प्रॉपर, और ये क्या है प्रॉपरली होना हमारा होना चाहिए, तो ऐसे आपको एरर देखनी है, ढूंढनी है, और ढूंढ कर बताना क्या है क्या नहीं है। 11th जो है हमारा वो होने वाला है 10 नंबर का, कितने मार्क्स होने वाला है 10 नंबर का होने वाला है, पार्ट्स नीचे दिए हुए हैं, कर लेना ही सारे पार्ट्स, हर एक पार्ट क्या क्या है मार्क्स दिए हुए हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे में गिवन है, कर लेना आराम से।
और हमारा बस ये बाकी तो हमारा साइंस का हमारा हो गया, ESP हमारा साइंस हो गया। ये भी बताता हूँ तो क्या है हमारा, 8 मिनट एक मिनट। हाँ पहले इसकी बात करें, ESP की बात कर लेते हैं। ये हमारा हो रहा, कुछ डायलॉग हमें गिवन होंगे उनके बिहाफ पर आपको पढ़कर बताना है क्या है क्या नहीं हमारा, कंप्लीट करना है यानी सेंटेंस तो ये तो यहाँ लिखो, सेंटेंस तो कंप्लीट करना है क्या बोल रहा आगे, तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। और इसमें क्या हमारा सेरेंड जो हो रहा हमारा वो क्या होने वाला है, हमारा मैसेज बता रहे हैं, मैसेज पैड हमारा पूरा है ये, ठीक है। और इसमें जो लिखा हुआ है ना, पूरी ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये पूरा अपने हिसाब से पढ़कर इसे यहाँ पर फिल करना है, बहुत ईजी है। और ये मैसेज पैड जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी है, फ्री फंड के नंबर बोलता हूँ इसे, कैसे अटैम्प करना है सब बताऊँगा मैं आपको, बस वेट करो आने वाली वीडियो उसका वेट करो। ऐसे में थर्ड क्वेश्चन जो हमारा वो 5 मार्क्स का हमारा होने वाला है, ESP साइंस की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या हमारा फर्स्ट जो हो रहा वो हमारा हो रहा अच्छी तरह से मार्क्स है हमारे, इसमें सबके क्या है मार्क्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं, 1 मार्क्स का हो गया ये, 1 मार्क्स का हो गया। पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेना जो इसे पैराग्राफ दिया हुआ ये पढ़ लेना और उसके बिहाफ पर ही आप आंसर दे पाओगे। यानी क्या हमारा पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना 2 से 3 बार जब भी आप आंसर दे पाओगे। अब ये क्या हमारा साइन फॉर्म जो हमारी होने वाली है इसे बोला हुआ है, टेबल का हिंट दिया हुआ है और हमें क्या है पैराग्राफ लिखना है, कितने वर्ड्स लिखना हमें, ये जो पैराग्राफ हमें लिखना है ये लिखना है हमारा 120 वर्ड्स का, कितने वर्ड्स होना चाहिए 120 वर्ड्स हमारा होना चाहिए। ये पैराग्राफ आप लिख देना, ये जो पैराग्राफ ये जो बना हुआ है ना हिंट जो बने हुए हमारे इनका यूज करना है, पूरा प्रोसेस हमारा ये का। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ आया पेपर का पैटर्न क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, लिटरेचर, लेटर, नॉट मेकिंग, पैराग्राफ अच्छे स्टडी करनी है, वर्ब्स पर ध्यान देना जो थोड़ा सा आपको, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है उन पॉइंट्स से भी आपको क्या है पैराग्राफ बनाना है, ये बहुत ज़्यादा मेन होने वाला आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अरे वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, कंजूसी मत करना, और बच्चों की हेल्प हो इसे शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।